अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारी इन्फ्लेशन मेलिग्नेंट है, क्रेडिट ग्रोथ स्लो है, मार्केट में डिमांड फ्लैट है, मैन्युफैक्चरिंग 75% ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी है, राइस बफर स्टॉक इज एट 33 MMT, रुपी डेप्रिशिएटिंग है, जीडीपी स्लोइंग है, इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रही है, वेजेस नीचे जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट पेरेनियल है और आउटलुक नेगेटिव है, तो आप शायद बोलोगे अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब, या फिर आप बोलोगे क्या देशभक्त फिर से क्या ज्ञान देने आ गया, उल्टा सीधा नेगेटिव इंसान है बोलता रहे। देश की आर्थिक दशा और दिशा समझना आसान नहीं है, मैं भी कभी कभी स्ट्रगल करता हूँ, लेकिन उसे समझाना और भी मुश्किल है। ये